करीम, अस्सलाम वालेकुम। A29 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सवेरा मलिक। सऊदीया से खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में किताब मेला सजाया गया, जिसमें मुल्क भर से आए हुए बुक स्टॉलर्स ने स्टॉल लगाए और पाकिस्तानी बुक स्टॉलर्स ने भी स्टॉल्स लगाए। मजीद जानते हैं सऊदीया से हमारे ब्यूरो चीफ हसन भट्ट से। जी हसन भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहम्मद अबू हादी का कहना था, मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ था और मैं अपनी लिखाई से दुनिया को इलम की रोशनी देना चाहती हूँ। उन्होंने अपना बुक स्टॉल जद्दा में होने वाले किताब मेला में सजाया। राइटर का कहना था, ये मेरी छठी किताब है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पज़ीराई मिली। सऊदी हुकूमत का कहना है, ऐसे इवेंट लगाने से नौजवान नस्ल के दिल में इलम की रोशनी पैदा होती है और नायाब किताबें पढ़ने को मिलती हैं, जिससे इलम में इजाफा होता है। किताब मेला डॉक्टर मोहम्मद वफा अबू हादी की किताब रोनमई तकरीब में पाक मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन खतीजा मलक, सेक्रेटरी मलक आसम अवान, एग्जीक्यूटिव मेंबर हसन भट्ट, PTA जद्दा के अहदे दौरान नायब सदर तारक नदीम, फाइनेंस सेक्रेटरी शुएब अल्ताफ ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया हसन भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। A29 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिएगा A29 न्यूज़।